मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलनी जाग जाती है। जो कुंडलनी जागृत होती है वो साधक का शरीर प्राण मन बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक न तो उसको रोक सकता न उसको कर सकता, किसी तरह का हस्तक्षेप साधक नहीं कर सकता, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्या करके रोक भी नहीं सकता।
a family in which 3 out of 4 are HIV positive and believe that meditation is helping them. हाँ जी मैम, मेरा नाम खियाराम डूडी है, मैं ग्राम कागल का रहने वाला हूँ, भोपाल की तहसील जोधपुर। मुझे एच आई पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ 2008 को, मुझे पता चला, चेक करवाया राजस्थान हॉस्पिटल में जोधपुर, वहाँ से रिपोर्ट आई 3 दिन से, फिर बीकानेर 18/11/2008 को बीकानेर में दीक्षा ली गुरुदेव जी की, जीवन राम जी सारण ने बताया, मेरे जीजा जी लगते हैं वो जिप से, अपनी जिप से लेकर गए वहाँ, वहाँ से दीक्षा लेके 25 तारीख को और दीक्षा ली, बच्चे बच्ची घरवाली ने सब ने, उससे हम गुरुदेव से जुड़े हैं उस दिन से 18/11/2008 से, वो आज तक रोज ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करता रहूँगा। और जोधपुर का रहने वाला हूँ मैं, भारतीय नौसेना में कार्यरत था, 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया तो वहाँ पे मुझे HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने JJ हॉस्पिटल और 1-2 हॉस्पिटल में और टेस्ट करवाया, वहाँ पे भी मेरा HIV पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, लूज मोशन, वेट लूज और बुखार आने लगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, तो दिनों दिन मेरी तबीयत गिरने लगी। तो मुझे 27 मई 2008 को एक मेडिकल असिस्टेंट अर्जुन सिंह जी मिले, उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ध्यान करोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मैंने बोला कि भाई डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है तो इस फोटो से क्या होगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मौत सामने खड़ी थी, तो मैंने फोटो से ध्यान करना शुरू किया। 15-16 दिन बाद में मुझे स्वतः प्राणायाम होने लगे और फिर तरह तरह की योग क्रियाएँ, आसन, बंद मुद्राएँ अपने आप होने लगी और उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। अक्टूबर में मैंने दीक्षा लेने के बाद 2009 में वायरल लोड टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा वायरल लोड 4,85,591 था। जब डॉक्टर साहब ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और आपको कभी भी कोई अटैक आ सकता है और उससे आप फिर रिकवर नहीं होगे, तो उन्होंने मुझे दवाई लेने के लिए एडवाइज़ किया और उन्होंने मेरी कैसेट पे दवाइयाँ लिख दी। तो मैंने गुरुदेव को बोला, उनको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मैं ध्यान कर रहा हूँ और उससे मुझे पता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं किसी तरह की दवाई नहीं लूँगा, तो उन्होंने बोला कि आप दवाई लो या मत लो, मैं आपकी कैसेट में लिखूँगा। तो उन्होंने मेरी कैसेट में दवाई लिख दी। उसके बाद मैंने ये अनविलिंगनेस टू ट्रीटमेंट का फॉर्म भर के और डॉक्टर साहब के साइन करवाए कि भाई मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, किसी तरह की दवाई नहीं ले रहा हूँ। उसके 9 महीने बाद में मैंने अगेन रिपोर्ट करवाई, ये अपना 7 जुलाई 2010 को, तो उसमें मेरा वायरल लोड 1,61,000 आ गया था, मतलब बिना कुछ दवाई लिए ध्यान से 3,24,000 मेरा वायरल लोड रिड्यूस हो चुका था। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।